इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घराव के मुकदमे में पीटीआई के 51 रहनुमाओं के खिलाफ बड़ा फैसला दे दिया। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में मुलव्वस 51 मुलजमान को इश्तियारी करार देने की कार्रवाई जारी रखते हुए मुलजमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तियार आवेजा करने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पेशी पर मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ 302 की दफा भी लगाई गई है। अदालत ने जिन 51 मुलजमान की जायदादें जब्त करने और उन्हें इश्तियारी करार देने का हुक्म दिया है, उनमें मुराद सईद, हमाद अजहर, फरख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल भी शामिल हैं। इसके अलावा जुबैर नियाजी, अकरम साही, शौकत भट्टी, अहमद चट्ठा, बिलाल इजाज और जफरुल्ला चीमा के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। 9 मई के मुकदमे में बानी पीटीआई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यासमीन राशिद और इजाज चौधरी भी मुलजिम नामजद हैं। ताहम पाँचों शख्सियात जेरे हिरासत हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।